आईपीएल 2023 के 13वें मैच में केकेआर के बल्लेबाज रिंकू सिंह ने कहर बरपाया। गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए इस मैच में रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में 5 छक्के लगाकर अपनी टीम को विजय बनाया। केकेआर को मैच जीतने के लिए आखिरी ओवर में 29 रनों की दरकार थी। रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर फेंक रहे गुजरात के गेंदबाज यश दयाल पर आखिरी 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के लगाकर मैच जिता दिया। कोलकाता ने रिंकू को 80 लाख रुपए में खरीदा था, पर रिंकू को उम्मीद थी कि सिर्फ 20 लाख मिलेंगे, वो भी उनके लिए काफी थे क्योंकि परिवार गरीब था। रिंकू आज आईपीएल के सबसे चर्चित स्टार हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब रिंकू सिलेंडर डिलीवर करते थे। तंगी ऐसी थी कि झाड़ू पोछा करने की नौबत भी आ गई थी। केकेआर को दिए एक इंटरव्यू में रिंकू ने अपनी जिंदगी के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया कि परिवार में 5 भाई हैं, पापा सिलेंडर डिलीवरी का काम करते थे, हम 5 भाइयों से भी काम करवाते, जब कोई नहीं मिलता तो डंडे से पीटते थे। हम सारे भाई बाइक पर 2-2 सिलेंडर रखकर होटलों और घरों में डिलीवर करने जाते थे। सभी ने पापा को भी सपोर्ट किया और जहां भी मैच होते तो सारे भाई एक साथ ही खेलने जाते थे। केकेआर की जीत के बाद अलीगढ़ स्टेडियम के पास 2 छोटे कमरों का घर हर जगह चर्चा में है। इसी में रिंकू अपने 5 भाई बहनों और माता पिता के साथ रहते थे। अब उनके आईपीएल में आने के बाद सब बदल गया है। रिंकू ने बताया कि परिवार को भी तब भरोसा होने लगा जब दिल्ली के एक टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज जीतने के बाद मोटरसाइकिल मिली थी। जल्द ही इससे भी सिलेंडर डिलीवरी की जाने लगी। रिश्तेदार बोलते थे कि भाई के साथ काम कर लो, भाई से बोला कि कहीं काम दिला दो, उसने मुझे कोचिंग में झाड़ू पोछे की जॉब दिलाई, मैंने मना कर दिया। मुझे पता था कि मेरे लिए क्रिकेट ही सब कुछ है, वहाँ से गेम पर ही पूरा फोकस लगाया, क्रिकेट ही एकमात्र ऑप्शन था। मैच के बाद रिंकू ने कहा, मैं किसान परिवार से आता हूँ और पिता ने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने जितने भी शॉट्स ग्राउंड के बाहर लगाए ये उन्हें ही समर्पित हैं, जिन्होंने मेरे लिए अब तक बलिदान दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।